न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ पंत भाटिया। ये कैसी व्यवस्था, कोरोना महामारी के दौर में विधायक निधि से प्रदान की हुई एम्बुलेंस 21 दिनों से खड़ी खा रही धूल। जी हाँ, आमजनों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि सतत प्रयासरत है, लेकिन जिम्मेदारों की आलस्य के चलते प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते झिरनिया मुख्यालय पर स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी ने अपनी विधायक निधि से 18 लाख रुपये की लागत की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस धूमधाम व हर्ष के साथ 12 मई को प्रदान की, लेकिन पिछले 21 दिनों से उक्त वाहन का संचालन नहीं होने से पहिए थमे हुए हैं। इस संबंध में झिरनिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनील चौहान का कहना है कि विधायक निधि से मिले वाहन के संचालन के लिए जिले से दिशा निर्देशों का इंतजार है, जिसके कारण वाहन अभी भी खड़ा है। निर्देश आते ही आम जनमानस को सुविधा मिल सकेगी। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों 21 दिनों से जिम्मेदारों ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्या कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा था? बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कब विधायक निधि से प्रदान की हुई एम्बुलेंस का संचालन शुरू होगा। कार्यवाही में देरी करने पर 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। जी हाँ, दरअसल गत दिनों पहले खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहनों को लूटने का असफल प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा गया। वही घटना की सूचना के बावजूद कार्यवाही में देरी करने पर कसरावत थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर को लाइन अटैच ASI और एक आरक्षक को निलंबित किया गया। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे आरोपियों को त्वरित पकड़ा गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि सूचना के बावजूद ड्यूटी पर तैनात ASI और आरक्षक की लापरवाही के चलते 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं आज खरगोन जिले के करी में 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के लिए फ्री फॉर ओपन यानी स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीन लगने वाली थी। वैक्सीन लगाने के समय कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से लोग एक दूसरे के ऊपर झूमते हुए नजर आए। एक और जहां अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे में यहां कुछ शासन की पोल खुल गई है। यहां आज एक ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि ऐसे में वैक्सीन लगवाकर क्या हम कोरोना से जंग जीतेंगे या कोरोना को अधिक बढ़ाएंगे। वहीं आज बड़वानी जिले के खेतिया में जिला क्राइसिस कमेटी के निर्देशों की अवहेलना के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया ने दिया ज्ञापन। बता दें कि जिला क्राइसिस कमेटी के निर्णय के अनुसार वर्तमान में जिले में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध के बावजूद संपूर्ण जिले में भारतीय जनता पार्टी और जनता युवा मोर्चा द्वारा राजनीतिक आयोजन कर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का पुतला फूंका गया। ये सरासर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है, जिसके चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेतिया के अध्यक्ष संजय निकुम, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र टाटिया, राजेश नाहर, वरिष्ठ संतोष पटेल, मोहन चौधरी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष शेखर भावसार, विमलेश जायसवाल, सुनील पाटिल, रविंद्र सोनेस, अन्ना सनेर सहित कार्यकर्ताओं ने आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने को लेकर अपना आवेदन पुलिस थाना खेतिया पर सौंपते हुए तत्काल प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। न्यूज लीडर्स के लिए झिरनिया से राकेश राठौर, कसरावत से अबरार पठान, करी से विशाल बागमार और खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने क्राइसिस कमेटी की बैठक में तय किया कि आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक प्रदर्शन इस ज़िले में नहीं होगा। क्राइसिस कमेटी में बैठे लोग, जिनमें माननीय सांसद जी भी शामिल हैं, मंत्री जी भी शामिल हैं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ज़िले में प्रदर्शन किया है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता इस संगठन के खिलाफ, आयोजन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर अपना आवेदन पत्र आज हमने यहाँ पुलिस थाने खेतिया में सौंपा है। हमारी सरकार से मांग है, जिन लोगों ने इस प्रकार का आयोजन किया है, चाहे पुतला दहन का हो, चाहे ज्ञापन देने का हो, इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करें, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें।